हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो डी यू सोल असाइनमेंट बीए अनर्स सेमेस्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, आप लोगों को बता दिया हूँ। तो ये है बीए अनर्स के बच्चों के लिए, है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन 4, असमानता संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं और स्वरूप क्या है। ठीक है, असमानता संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं और स्वरूप क्या है। तो ये अब प्रश्न है असाइनमेंट का, बी एन एस सेमेस्टर फर्स्ट का। तो बच्चों, आप सब चैनल पे अगर नए हो, अगर आ रहे हो चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी ना करें, लाइक करने में वीडियो को कंजूसी ना करें, क्योंकि मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप लोग भी जानते हैं। ओके, तो आप लोग मोटिवेट करिए, मुझे खुश करिए, खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। ओके, तो चलिए इसका को हम लोग आंसर देखते हैं इसका। ओके, तो बच्चों ये रहा आप लोग के लिए बीए अनर्स सेमेस्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया, कोड नंबर ये अपना मिला लीजिएगा कोड। तो चलिए प्रश्न है आप लोग का असाइनमेंट का, असमानता संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं और स्वरूप क्या है। तो आप लोग का आंसर ये रहा। मैं एकदम स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, आराम से लिखिए आप लोग। जितना भी मैंने मटेरियल दे रखा हूँ अभी तक वीडियो में, जितना भी मैंने दे दिया हूँ, उसको आप लोग कंप्लीट करिए। एकदम साफ साफ लिखना है, बिल्कुल भी साफ लिखना है आपको। ओके बच्चों, साफ साफ लिखिएगा तभी नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि मार्क्स के लिए ही ये लिखवा रहा है असाइनमेंट, क्योंकि इस बार पेपर नहीं हो रहा है, आप सब जानते हैं। और जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, जैसे कि बीए प्रोग्राम का अभी तक एक ही क्वेश्चन है, एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ पाया है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर और भी सब्जेक्ट का दीजिए, तो अभी क्वेश्चन नहीं आया है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि डेट हो सकता है, बढ़ सकता है सबमिशन का, जो असाइनमेंट सबमिशन का जो डेट दे रखा है वो बढ़ सकता है। कॉज क्या रहेगा, आप लोग जान रहे हैं कि अभी साइट क्या है उसका, क्रैश चल रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो इसीलिए बढ़ सकता है। लेकिन आप लोग काम ये मत सोचिए कि बढ़ेगा, आप कंटिन्यूअसली आप लोग अपना असाइनमेंट बनाइए। ओके बच्चों, किन्हीं लोग का भी नहीं छूटेगा असाइनमेंट, मैं सभी लोगों को असाइनमेंट को पूरा कराऊंगा। एकदम बिल्कुल भी आप लोग पैनिक ना हो, पैनिक हो जाते हैं कि अभी तो 1-2 दिन गया है, अभी 25, अभी 2 27 तारीख है, अभी 2 दिन गया है। बहुत लोग पैनिक हो गए हैं कि यार हम नहीं बनाए, हम नहीं बनाए। पैनिक मत होइए, सबका मिलेगा, सबका असाइनमेंट मिलेगा, बस आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए, सभी लोग का असाइनमेंट का मिलेगा। मैं एकदम स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो।
वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, मोबाइल से अगर लिखना है तो वीडियो से पॉज करके भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जितना ही मटेरियल है उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। जो भी नए बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है उन लोग को आप लोग बताइए, चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को। जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक्स को बढ़ाइए, लाइक बहुत कम आता है, देखते हैं बहुत लोग, लाइक्स भी कम आता है, सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग ही किए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा तो आप लोग को फायदा है, कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, मिल जाएगा कि हाँ वीडियो डाले हैं, अपलोड हुआ है। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहें। भविष्य में कभी भी आपको किसी भी चीज प्रकार से हेल्प लेना है एजुकेशन के मामले में तो आप ले सकते हैं, जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं हेल्प करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और आपसे ये मैं नहीं कहूँगा कभी कि हमको पैसा पे करो, बहुत लोग कहता है कि पैसा दोगे तभी हम करवाएंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। तो इसीलिए आप लोग हमको भी हेल्प करिए, आप लोग बस सब्सक्राइब और लाइक्स करके वीडियो को, मुझे बस इतना ही आप लोग को प्यार चाहिए। कभी आप लोग का टेंशन हो किसी चीज़ के लिए तो भी बात कर सकते हैं हमसे। ओके, किसी भी चीज़ से हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जैसे बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं तुरंत, तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा आप लोग, सब कोई कुछ ना कुछ करता है। सब लोग हंसते रहें, घर पे अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। तो एकदम सब पॉइंट वाइज मैंने लिख कर दिया है, आप लोग भी जब लिखिएगा तो एकदम पॉइंट दे करके बहुत अच्छे से लिखिएगा, गैप दे करके लिखिएगा, बिल्कुल चिपका करके नहीं लिखना है आप लोगों को, क्योंकि इसी पे आप लोग का नंबर लगेगा, वो भी 15 नंबर एक क्वेश्चन का है। आप सब जानते ही हैं कि पूरा पेपर 100 का है, दो क्वेश्चन आपको करना है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग असाइनमेंट बनाते लिखते समय कि कुछ गलती ना हो, कुछ काट पीट नहीं होना चाहिए बीच में, ज़्यादा काट कुट मत किया कीजिएगा असाइनमेंट में, एकदम अच्छा लगना चाहिए कि टीचर देखे और खुश होके नंबर लगा दें, क्योंकि आप सब जानते हैं ये कॉपी जो लिखा रहा है, असाइनमेंट लिखा रहा है, कोई नहीं पढ़ता है। ओके, कोई भी टीचर इसको नहीं पढ़ेगा, बस असाइनमेंट देखेगा कि अच्छा राइटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, राइटिंग देख कर ही खुश हो जाएगा वो टीचर। अगर आपका राइटिंग सही है, लिखावट अगर सही है आपका, तो टीचर वही देखता है, राइटिंग सबसे पहले तो नजर जाता है राइटिंग पे कि कैसे वो लिखा है, कैसे लड़का लिखा है। तो आप लोग फैला के लिखिएगा, एकदम चिपका के तो बिल्कुल मत लिखिएगा,
ज्यादा खोल कर भी नहीं लिखना है और ना ही ज्यादा चिपका करके लिखना है, एकदम मीडियम होना चाहिए, जिस तरह लिखावट होनी चाहिए वैसे होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, तभी मार्क्स मिलेगा बहुत अच्छा। और लिख करके पूरा, अगर असाइनमेंट पूरा हो जाता है तो एक बार आप लिख करके उसको पढ़ा कीजिए अपने से। ओके बच्चों, पढ़ने से फायदा होता है ना। आपको भी पता चलेगा कि क्या होता है ये। और भी सारे बच्चों को का क्वेश्चन अभी बनने के प्रोसेस में है, तो कोई भी लोग टेंशन ना लें, सबका असाइनमेंट पूरा करवाया जाएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी 27 तारीख है, एक दो दिन, 2-3 दिन लगेगा, सारे को कंप्लीट हो जाएगा जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगता है इसको करने में, आंसर करने में। ओके बच्चों, तो इसीलिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ। कभी भी किसी को घृणा के भाव से ना देखे, घृणा तो समझते हैं ना आप लोग। तो चलिए, अब खत्म होने वाला है। असमानता दूर करने के लिए अम्बेडकर जी बहुत सारा उपाय किए थे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ओके बच्चों, तो अपना वीडियो यहीं पे शायद समाप्त होता है, इससे आगे नहीं है, तो यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए, मैं एक बार आप लोग से फिर से कह रहा हूँ कि अगर चैनल पे अगर नए हैं, नए बच्चे हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक्स वीडियो को करने में थोड़ा सा भी कंजूसी ना दिखाएं। सब्सक्राइब और लाइक्स करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता है, बस हम लोग को सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग के साथ फिर जुड़ेंगे। और चलिए, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बच्चों।